पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस मामले में सियासत गरमाई हुई है। महादेव ऐप मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इसकी जांच 2 साल से चल रही है, जब तक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक नहीं लगेगी कुछ नहीं रुकेगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के लाखों फर्जी अकाउंट है, केंद्र सरकार को इनकी पहचान कर इन्हें बंद कराना चाहिए। इनकी मंशा महादेव ऐप को बंद करने की है कि नहीं, अभी भी एपी के माध्यम से या चल रहा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी या संचालित होता है। केंद्र को चाहिए कि संदिग्ध खातों को बंद कराए। 17 तारीख तक ऐसी कहानियां सामने आती रहेंगी, इसे सुनिए और इंजॉय करें। बीजेपी के प्रचार प्रसार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है। पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं, और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है, और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो पकड़ा गया, जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है ईडी, वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे, अभी एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है फिर ऑडियो मैसेज आता है, तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। 2 साल से इसकी जांच चल रही है, उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को एपीके भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयां करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है, ईडी को पता ही नहीं है, और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने गूगल पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है, तो आप इसको बंद करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो, किसने मना किया भाई, कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूं। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है, इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिली।